हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। हम पिछले चंद दिनों से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, चंद इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में भी हमने बात किया। तो आज के इस वीडियो में हम कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। देखिए, कार्टेजिना जो है वो दरअसल कोलंबिया में एक सिटी है, कोलंबिया कंट्री में, और प्रोटोकॉल का माना मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आइए देखते हैं कि ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल का ओरिजिन क्या है, ये डील किससे करता है, और एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी में और बायोडाइवर्सिटी के सर्वाइव होने में इसका कितना योगदान है, इन सभी के बारे में आज का हमारा वीडियो। द फुल नेम ऑफ ट्रीटी इज कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमने ऑलरेडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपको बैकग्राउंड नॉलेज आ जाए कि ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है क्या, ये किससे डील करता है। तो दरअसल कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो एक सक्सेसर है, वो एक एडिशन है दरअसल कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, खासकर बायोसेफ्टी को लेकर। तो आइए इसके बारे में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल ट्रीटी कंसर्न्स द मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन नेशन टू अनदर। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? देखिए, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज डिफाइंड इन कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी एज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट पोसेसेस अ नोवेल कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स ऑब्टेन्ड थ्रू द यूज ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो जीन्स का ट्रांसफ़र करके डीएनए को जो है थोड़ा बहुत अल्टर किया जा सकता है। हमें जो कोई भी पसंदीदा ट्रेट्स हैं, हम किसी दूसरे दो अलग अलग पेरेंट से लेकर एक स्पेसिफिक चाइल्ड में उसे इम्बाइब कर सकते हैं। तो इस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, भले ही वो प्लांट की वेराइटी हो, एनिमल की वेराइटी क्यों ना हो, और ख़ासकर जो है इंसानों में भी इस तरीके के जीन थेरेपीज़ को जो है हमें देखा जा रहा है। अगर बेस्ट एग्जाम्पल दूँ, क्रिस्पर नाम का एक प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर इसी जीन एडिटिंग की थ्योरी को इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर कभी हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि उनमें और से और अच्छे ट्रेड्स आ सकें। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है उसी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से डील करता है, उनके एक नेशन से अलग नेशन के ट्रांसफर को लेकर, उसी तरीके के टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर से कर डील करता है कि किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, उस मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, कहीं वो एडवर्स तो नहीं है। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर डिफाइंड अंडर द प्रोटोकॉल एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट हैव नोवल कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल सिक्योर्ड फ्रॉम द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अभी जिसके बारे में मैंने कहा। इट इज अ सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लाइक द नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल पर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पर ये वीडियो देखें। तो नगोया प्रोटोकॉल की तरह कार्टेजिना प्रोटोकॉल भी जो है एक सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। The protocol was adopted in 2000 and it came into force in 2003. The Cartagena Protocol on Biodiversity seeks to protect biodiversity from the potential risk caused by living modified organisms arising from modern technology. हमने पिछले कई वीडियोस में बात किया कि ये मॉडर्न जो ये बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत ही ज़रूरी है नेचर के एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइव होने के लिए। अलग अलग जो एनिमल प्लांट स्पीशीज़ हमें देखने को मिलते हैं उनका इंटरेक्शन अलग अलग इकोसिस्टम्स में ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरमेंट जो है अडॉप्ट करता है इन इकोसिस्टम्स को और इकोसिस्टम्स जो है अडॉप्ट करते हैं इस एनवायरनमेंट को। अगर इसी तरीके से हम जेनेटिकली उन्हें मॉडिफाई करने जाएंगे, इन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम अगर बढ़ावा देते जाएंगे, तो क्या वो बायोडाइवर्सिटी को रिस्क नहीं होगा कि हर ट्रेड जो भी पसंद आए या फिर हम किसी ऑर्गेनिज्म को अपने तौर तरीके पर अपने को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने के लिए जो है हम उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज जो है वो थ्रेटन हो जाएंगे अगर हम खुद उनका जेनेटिक मटेरियल जो है उसे अगर टेम्पर करने जाएं या फिर उसे किसी तरीके का एडिशन या फिर डिलीशन करने जाएं। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल उसी बायो सेफ्टी के बारे में बात करता है। द प्रोटोकॉल वॉज अडॉप्टेड बिकॉज ऑफ द ट्रेमेंडस एडवांसमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड द एसोसिएटेड कंसर्न्स अबाउट इट्स सेफ्टी एंड यूसेज विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी। तो इसी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट अगर पहुंचाया जा सकता है इस एडवर्स बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, देखिए जाहिर सी बात है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो पॉजिटिव्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कई बार अगर गलत हाथों में आ जाए या फिर नेशंस इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू करें तो ये तो सरासर थ्रेट होगा बायोडाइवर्सिटी को लेकर। तो इसी से डील करता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल।
It seeks to implement an internationally harmonized regime for biosafety in order to ensure the safe utilization of modern biotechnology. के आप जो है अच्छी बात है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप इस टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री को, लेकिन इससे किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी पर ना हो, इस तरीके का एक हारमोनाइज्ड रीजिम जो है बायोसेफ्टी का पूरे दुनिया भर में लागू करवाना चाहता है ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल. The Cartagena Protocol also sets up a biosafety clearing house to enable information exchange on living modified organisms between countries. तो एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन भी इन्होंने बनाया हुआ है कि कंट्रीज जो है वो इस बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस पर आ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सकता है अलग अलग लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पर, उनके टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, कितनी तादाद में जो है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सभी के बारे में वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. It is also intended to help countries implement the Cartagena Protocol. तो ये बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस जो है वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करने के लिए भी कंट्रीज की मदद करता है. द बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस इज एन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म फॉर द रिलेवेंट टेक्निकल, साइंटिफिक एंड लीगल इन्फॉर्मेशन. कई बार लीगल हर्डल्स भी आते हैं जब हम इस तरीके के लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को या फिर उन्हें प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी को एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर ट्रांसफर करते हैं. खासकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बहुत ही ज़्यादा लीगल प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अराइज होते हैं, सभी के बारे में भी बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस डील करता है. द प्रोटोकॉल गिव्स अ प्रिकॉशनरी अप्रोच टू द इश्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. सो ये प्रिकॉशनरी अप्रोच भी कहता है, यानी कि अभी आपने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, इससे पहले ही प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो है वो बता देता है आपको. इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू कार्टेजिना प्रोटोकॉल विच वॉज रेटिफाइड इन 2003 वेयर द नोडल एजेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो इंडिया भी जो है इस प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है, पार्टी है, तो इंडिया भी इस कार्टेजिना प्रोटोकॉल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स से जब डील करता है तो बहुत ही केयर के साथ डील करता है. ये थी चंद बातें आपको जाननी थी कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.